पिता ने अपने बेटे को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। मधोला थाना क्षेत्र में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक पिता और बेटे के बीच विवाद में पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे को गोली मार दी। पड़ोसियों ने घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी ने अपने ससुर पर अश्लील हरकत करने व बलात्कार का आरोप लगाया है। इसी बात को लेकर बाप बेटे में विवाद हो गया। पिता ने बेटे को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। मुरादाबाद के मधौला थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में बाप बेटे के विवाद में पिता वीरेंद्र ने बेटे दुष्यंत को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर फरार हो गया। गोली चलाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने दुष्यंत को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। दुष्यंत के पेट में 2 गोली लगी थी, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक दुष्यंत की पत्नी दिव्या कौशिक ने अपने ससुर वीरेंद्र ने आरोप लगाया है वीरेंद्र पर आरोप लगाया है कि ससुर ने रात उसके साथ बलात्कार किया था। परिवार के सभी लोग शादी में गए हुए थे। सुबह वापस आने के बाद पति को यह बात बताई, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया और पिता ने बेटे को गोली मार दी, जिसमें देवर अभिषेक कौशिक भी पिता के साथ फरार हो गया। मृतक दुष्यंत कौशिक की शादी मुरादाबाद की ही रहने वाली दिव्या कौशिक से 10 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद से ही ससुर पुत्र वधू पर नजर रखता था, गंदी नीयत रखता था। मृतक की पत्नी दिव्या कौशिक ने आरोप लगाया कि ससुर उस पर गंदी नीयत रखते थे। पहले भी एक बार उन्होंने मुझसे गंदी बात की थी, जिसकी शिकायत पति और सास से की थी। कल सास और पति किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। ससुर ने अकेला पाकर मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने मना भी किया कि आपको पिता मानती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ससुर और पिता में अंतर होता है। किसी को भी बताने पर पति को जान से मारने की धमकी भी दी। जब आज सुबह पति घर वापस आए तो मैंने अपनी पति को सब कुछ बता दिया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और मेरे पति को गोली मार दी। ससुर और छोटा देवर दोनों फरार हो गए। अपने पिता की गलत हरकतों का साथ देने वाले अभिषेक कौशिक ने अपने पिता का आरोप अपने सर लेने के रिवॉल्वर लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। कहा कि भाई को पिता ने ही नहीं, मैंने मारा है। लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि यह झूठ बोल रहा है, अपने पिता को बचाने के लिए यह इल्जाम अपने सर ले रहा है। जब घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी, सास मेरी मायके गई थी अपने, और देवर शादी में गए थे, तो मेरे ससुर ने मेरे साथ गंदा काम करा। मैंने ये बात अपने हस्बैंड को और अपनी सास को देवर को बताई, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड की गोली मार दी और मेरी सास की भी गोली मारने की कोशिश करी उन्होंने। तो गोली मारने के बाद भाग गए, और छोटा देवर भी मेरा उनके साथ है, उन्होंने उसे भगाया। मतलब गोली मारने में कौन कौन थे? देवर मेरा छोटा वाला और मेरे ससुर। मतलब कोई पहले भी इस तरीके का विवाद हुआ? एक बार मतलब उन्होंने कोशिश की थी इस तरीके की, मुझसे वो बोले थे अजीब तरीके से, तो मैंने कह दिया पापा इस तरीके से मुझसे कभी बात मत करना, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे करेंगे, और मैंने जब कहा, मैंने कि पापा ऐसे नहीं करते हैं, गंदी बात है ये, तुमने मेरे साथ क्या करा, मैंने कि तुम्हें पापा मानती हूँ, तो ये कह रहे बाप और ससुर में फर्क होता है, ससुर ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता था। ये मझौला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पे जो यहाँ हॉस्पिटल में लाके परिवारजन द्वारा उसे एडमिट कराया गया, और जहाँ इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। इसमें जो अभी पूछताछ की गई अभी पुलिस के द्वारा, यहाँ पे वाइफ ने बताया कि पिता और बेटे के बीच में किसी बात को लेकर विवाद था, और आज इनके पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से इन्हें गोली मारी, जिसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया गया। इसमें पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, जो तहरीर प्राप्त होगी, साथ ही यहाँ पे अन्य जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ करके जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। हाँ, अभी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। सर, जो उनके भाई जो लड़के की, वो आरोप लगाने की ससुर मेरे साथ बदतमीजी करते थे, ऐसा भी? हाँ, इनसे जो पूछताछ की गई है इनकी वाइफ ने बताया इसके बारे में, साथ ही अन्य जो साक्ष्य जो प्राप्त होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। अभी यहाँ पे मौके पे जो लोग मौजूद थे वहाँ पे पुलिस टीम रवाना कर दी गई है, जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं, जल्दी इसमें जो इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।